नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है हाइट टाइगर्स। तो दोस्तों, आपने कहीं जू पे या फिर किसी मूवी पे और नेट पे आपने हाइट टाइगर्स की फोटो देखी होगी जो हाइट टाइगर्स में होते हैं। और दोस्तों, इन हाइट टाइगर्स को पैंथेरा टाइगरिस ऐसा भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये हाइट टाइगर्स क्या चीज़ है? तो दोस्तों, ये हाइट टाइगर्स कोई रूली ऑकरिंग स्पीशीज, यानी कोई अपने नॉर्मल टाइगर जैसी स्पीशीज नहीं है। तो दोस्तों, ये हाइट टाइगर्स नॉर्मल टाइगर जो बंगाल में पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं और लगभग सभी हमारे देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाइट टाइगर्स अपने नॉर्मल टाइगर में कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर स्किन डिसऑर्डर होते हैं, उससे ये तैयार होते हैं। तो दोस्तों, ये वाइट टाइगर्स मेलानिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से या फिर मेलानिन पिगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों, आपने ऐसा भी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कि एक वाइट टाइगर्स मादा है और उसके दो नॉर्मल टाइगर जैसे बच्चे हैं। तो दोस्तों, कुछ ये जीन्स डोमिनेंट रहते हैं और ये कुछ रिसेसिव रहते हैं, तो इसके वजह से ये डिफरेंस मेंटेन रहता है। और दोस्तों, ये कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से, यानी कुछ एक ऐसा जीन रह जाता है जो इस मेलानिन पिगमेंट को एक तो ख़त्म करता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसके वजह से ये अपना जो फंक्शन है ये वो नहीं दिखा पाता, तो इसके वजह से ये टाइगर्स हाइट होते हैं। ऐसा टाइगर्स में ही होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा सांपों में भी होता है और हम इंसानों में भी होता है। और सांपों में आप गूगल पे देख सकते हैं, कोई अल्बिनो कोबरा रहता है, अल्बिनो करेज रहते हैं। तो दोस्तों, ये कोई रूली ऑकरिंग स्पीशीज नहीं रहती, ये सिर्फ जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। Have a nice day.